चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वोटरों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्र पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज चुनाव को लेकर आज सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर जो है पूरे जो है फोर्स की जो है तैनाती की गई है और जो है सुरक्षा व्यवस्था की भी पुख्ता इंतजाम किया गया है और यहाँ पर सुबह से ही आज लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है जो लाइन में लगे हुए हैं और लग करके जो है बारी बारी से वोट पोलिंग करने के लिए ये जा रहे हैं। बहुत से वंश बहादुर सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान यहां पर प्रत्याशी हैं तो एसपी से सुधाकर सिंह मैदान में। एसपी प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने दादनपुर में अपना मतदान किया है और वोटिंग करने के बाद देखिए सुधाकर सिंह ने क्या कुछ बोला है, वो भी आपको सुनाते हैं। एक सीट से कोई सरकार बनेगी नहीं बिगड़ेगी, यहाँ एक ही मुद्दा है कि 16 बरस से यहाँ की जनता ने यहाँ के विधायक का मुंह नहीं देखा है तो घोसी बना बारी की लड़ाई हो रही है। ये चुनाव किसने कराया है जब उनको जो हमारे प्रत्याशी सामने भाई साहब हैं वही तो 16 महीना पहले विधायक थे तो फिर इस्तीफा दे के चुनाव लड़ने का फायदा क्यों करा दिए। पुलिस के लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और स्पेलिंग पूछ रहे हैं। गांव का रहने वाला व्यक्ति स्पेलिंग जानता है जो उन्होंने बना के दिया हुआ उसके पास है। पुलिस को क्या राइट है, किसने अधिकार दे दिया कि ये आधार कार्ड चेक करे। जहाँ समाजवादी पार्टी चाहे हमारे समर्थकों का वोट है हर जगह परेशान किया जा रहा है। वहीं बागेश्वर उपचुनाव जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल और पुलिस अधीक्षक अक्षय कुंडे ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। विधानसभा के सभी 188 बूथ पर शांतिपूर्ण मतदान जारी है। सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। लगभग यहां पर 118,265 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 60,897 मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की बात करें तो 58,000 के करीब हैं। वहीं सर्विस मतदाता 2,207 के करीब हैं। डीएम ने बताया कि विधानसभा को 3 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। क्षेत्र में 9 शेडो एरिया बूथ हैं, जिसमें संचार के लिए पुलिस वायरलेस जीपीटर लगाए गए हैं। 15 वनरेबल बूथ चिन्हित किए गए हैं जिनमें माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। 94 बूथों में वेबकास्टिंग कराई जा रही है। तो सुरक्षा के बीच में सुबह 7 बजे से बागेश्वर में भी मतदान जारी है और यहां पर मतदाताओं की बात करें तो करीबन 118,000 मतदाता हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में यहां पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है। तो बागेश्वर में उपचुनाव जारी है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सभी बूथ पर मतदाताओं में भारी उत्साह भी इस दौरान देखा जा रहा है। इसी बीच एक बूथ का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु ने, दिखाते हैं आपको। अक्सर उपचुनाव की सर्गियां तेज देखी जा सकती है। आज मतदान का दिन है, मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं बागेश्वर 47 आरक्षित का यह सखी बूथ है जिस पर यहां मतदाताओं के पीछे काफी बड़ी लाइन लगी हुई है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे यहां मतदाताओं में जोश बढ़ता जा रहा है। लोग स्थानीय मुद्दों से लेकर अन्य मुद्दों को लेकर मतदान करने जा रहे हैं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था बना रखी है। इस बूथ की बात करें तो सखी बूथ है, यहां महिलाओं से लेकर पीठासीन अधिकारी सब महिला कर्मचारी हैं, सुरक्षाकर्मी महिलाएं हैं तो और मॉडर्न बूथ भी है। इसको लेकर यहां मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और इसके साथ ही जनपद के 188 बूथों मतदान शांतिपूर्ण जारी है और लगातार जिला निर्वाचन अधिकारी पुलिस अधीक्षक सहित मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं और ये देखने वाली बात होगी दिन चढ़ते चढ़ते जनपद में जो वोटिंग परसेंट कितना बढ़ता है। बागेश्वर सिंह, मानसूगढ़, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड। वहीं घोसी उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान को लेकर जनता में काफी जोश है। वोट डालने के लिए सुबह से ही वोटरों की लंबी लाइन लगी हुई है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान से बात की है। बीजेपी प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आप। हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान है, आइए इनसे मैं जानता हूं कि आज की मतदान कैसे हो रहा है, क्या कंडीशन है, किस तरह से हो रहा है। घोसी विधानसभा क्षेत्र में पूरे शांतिपूर्वक जो है मतदान हो रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन जिस तरीके से विधान में देखा विधानसभा के अंदर यहाँ पर हर बूथ पर हर पोलिंग पर सारे लोगों ने मोदी जी की नेतृत्व में भरोसा किया है। सारे लोग हमें मतदान बना करके भारी बहुमत से निकालने का संकल्प किया है। 8 तारीख को परिणाम आएगा, आपको लगने लगेगा जीत नहीं ऐतिहासिक जीत हासिल घोसी विधानसभा में होने जा रही है। कहीं कहीं जो है मिल रहा है कि कहीं जो एटीएम खराब है तो कहीं जो है मतदाताओं को रोका जा रहा है, लेकिन इनसे हम प्रत्याशी जो हमारे दारा सिंह इनसे मैं अब इसके बारे में जानना चाहूंगा कि जो है यह एक अफवाह है या सही है, क्या है इस बात बताऊं।
ये सब पूरी तरीके से अफवाह है। जब जानते हैं जब विरोधी हार के कागार पर पहुंच जाता है, अभी तो शाम तक होनी होगी, अभी से लोगों को लगने लगा है भारतीय जनता पार्टी की जीत को कोई रोक नहीं पाएगा, इससे हताश और निराश होकर के इस तरीके का अफवाहें फैला रहे हैं। क्योंकि दूसरी की जनता बहुत जागरूक है, सारे लोग जानते हैं, हमें कमल के बटन दबा करके मोदी और योगी के मऊ से मैं हमारे सभा प्रत्याशी हैं, भाजपा प्रत्याशी से धारा सिंह चौहान है, इनसे आप पूरे चुनाव की जो है जितनी सरगर्मियाँ जितनी जो भी चीज थी जिस तरह से पूरा पूरी बात आपने सुनी था। मैं वंश बहादुर सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, मऊ। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर।